सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो सभी लोग? तो आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, घर बैठे मस्त पे मैं आप लोग अपने प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग का स्वागत है, जहां पे हम लोग फिजिकल एजुकेशन के क्लास 11 के नए चैप्टर को कवरअप करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है योगा। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो कोई मेरे बारे में नहीं जानता, मेरा नाम जकी है, मैं एक फिजिक्स एजुकेटर हूँ, साथ ही साथ आप लोग को फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ाता हूँ। अगर आप मेरे साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे जकी सौदागर फिजिक्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर आप लोग के लिए कंटेंट अवेलेबल होने वाला है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उन सभी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और एक एक चीजों को डिटेल में कवर अप करेंगे और सभी के सभी चीजें बोर्ड्स 2023-2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाला है। मतलब क्या, सभी चीजें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली। तो इसके लिए आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से एक एक करके डिटेल वे में सारे के सारे पोर्शन को कवर अप करने वाले हैं। बस आप लोग को करना यह है कि जो मैं आप लोग को आज पढ़ाऊंगा उसके बाद आप लोग को बस एक बार अच्छे से बुक को रिवाइज कर लेना, बुक को रिविजन करना जरूरी है। तो आप में से काफी सारे लोग परेशान है कि कौन से बुक लें, क्योंकि मार्केट में काफी सारी बुक्स आप लोग को मिल रही है लेकिन उसमें से समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूं, एक ही बुक मुझे ऐसी लगी जो एक्चुअल में पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, एकदम टारगेट करते हुए चल रही है आप लोग एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है उसवाल गुरुकुल की बुक। इस बुक में तुम्हें फिजिकल एजुकेशन का पूरा कंटेंट कवर अप हो जाएगा, चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के सभी का सभी सिलेबस आप लोग के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। अच्छे से सभी चीजों को डिजाइन करके दिए गए, सारे क्वेश्चंस इसके अंदर। तो वन ऑफ द बेस्ट टेक्स्ट बुक मुझे लगी आज तक की आप लोग के लिए और न्यू सिलेबस के लिए आप लोग के सेशन के लिए। बुक को ले लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, अमेज़न से जाके इसको परचेज कर लेना, जिसके थ्रू तुम्हारी एक तगड़ी मजेदार और धमाकेदार वाली प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। मैं जानता हूं आपने स्कूल वालों के हिसाब से ले लिए होंगे, उस बुक में और इस बुक में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इसका किंडल वर्जन तक देख सकते हो। तो आप लोग ई बुक में या फिर इसको फिजिकल फॉर्म में बुला लो, तगड़ी बुक है, इसके थ्रू तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो चलिए कवर अप करते हैं हमारे नए चैप्टर को, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 या यूनिट नंबर 3 होगा, और इसको हम लोग देखने वाले हैं न्यू बोर्ड्स 2023-2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लास 11 के लिए हम लोग फिजिकल एजुकेशन कवर अप कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप लोग मुझे फॉलो अप जरूर कर लेना मेरे इंस्टा पे, सो दैट हम लोग हमेशा जॉइंट रहे, साथ ही साथ टेलीग्राम के चैनल और ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लेना, सो दैट सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स और सारे इंपॉर्टेंट नोट्स सबकी अपडेट्स आप लोग को मिलते रहेगी। अनअकैडमी में भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं आप लोग को फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाता हूं क्लास 11th एंड 12th कैटेगरी के लिए। तो अगर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। और अभी अनअकैडमी में काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, जहां पे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में 20% तक ऑफ चल रहा है क्लास 11th एंड 12th के सब्सक्रिप्शन में। तो यूज करें मेरा कोड ZKIZAKI, जिसके थ्रू आप लोग को स्पेशल डिस्काउंट मिल पाएगा और सीमलेस प्रिपरेशन आप लोग अपने घर बैठे कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ। इसी के साथ साथ आप लोग मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ये स्पेसिफिकली फिजिक्स का चैनल है, जहां पर डेडिकेटली क्लास 11th एंड 12th का फिजिक्स भी मैं कवर अप करवाने वाला हूं वन शॉट के साथ धमाकेदार वे में आप लोग के लिए। इसके अलावा अगर नोट्स डाउनलोड करना है तो मेरी वेबसाइट से जाके आप स्पेसिफिकली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, जो है zakisaudagar.in। चलिए स्टार्ट करते हैं और कंटेंट देखते हैं क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले हम लोग देख लो भाई, ये सभी चीजें पढ़ने वाले। आप बोलोगे भैया क्या ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है? हाँ जी, लास्ट ईयर आप लोग को ये सिर्फ स्टार्टिंग के 3 पॉइंट थे, ये 2 नए पॉइंट आप लोग को एड ऑन करके दिए गए। तो हम लोग सभी चीजों को कवर अप करने वाले डिटेल में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर योगा क्या होता है और योगा के बारे में सभी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले योगा के बारे में समझ लेते हैं। योगा जो वर्ड है स्पेसिफिकली संस्कृत का एक वर्ड है युज, वहां से डिराइव हुआ है और इसका मतलब होता है यूनियन या यूनाइट करना। तो योगा के थ्रू तुम लोग यार 2 तरीके से डेफिनेशन बना सकते हो, एक बना सकते हो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी बना सकते हो फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ही एग्जाम में लिख कर आओगे, नंबर पूरे मिलेंगे। अब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि आत्मा की परमात्मा से मिलन कराना, यूनाइट कराना, इनलाइटमेंट प्राप्त करना, वो आप लोग का योगा कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन होती है योगा की फिजिकल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि योगा एक ऐसे फॉर्म की एक्सरसाइजेज है जिसके थ्रू आप लोग ब्रीथिंग टेक्निक्स अचीव कर सकते हो, अपने आप को फिजिकली मेंटली फिट रख सकते हो और स्ट्रेस से दूर रह सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग अपनी डेफिनेशन को भी डिजाइन कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ योगा के बारे में, महर्षि वेद व्यास जी ने कहे थे कि योगा इज अटेंडिंग द पोजेस, और पतंजलि के हिसाब से कहना है प्रेशर ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड इज योगा। तो अगर आप चाहो तो इन दोनों की डेफिनेशन को भी कोट करके आ सकते हो एग्जामिनेशन में। अब जान लेते हैं कि अगर योगा की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्यों करना पड़ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोग के पास बहुत ही बिजी लाइफस्टाइल है, आप जिम नहीं जा सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हो अपने आप को, लेकिन रेगुलरली आप लोग फिजिकली मेंटली फिट रहना चाहते हो, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करवाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप लोग को दिन में कभी ना कभी
अभी तो एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास वक्त नहीं है तो आप लोग योगा कर सकते हो एटलीस्ट दिन में 15 से 20 मिनट। इसके थ्रू आप लोगों को क्या क्या चीजें आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो जाएगी उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग का फिजिकल फिटनेस आप लोग की बॉडी में आ जाएगा, आपके अंदर अगर ओबेसिटी हो चुकी तो वो रिड्यूस हो जाएगी, ब्यूटिफिकेशन आप लोग की बॉडी की होने लग जाएगी, बेशक सी बात अगर आपका मोटापा कम होगा तो आप एकदम हेल्दी वेट में दिखोगे, एकदम पोस्चर बढ़िया सा दिखता है। फिर इसी के साथ साथ आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, मेंटल टेंशन आप लोग का रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ आप लोग को रिलैक्सेशन मिलेगा आप लोग के पूरे के पूरे माइंड को, मींस आप लोग टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री रह सकते हो। इसके साथ साथ आप लोग का पोस्चर बेटर होता है, आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जितनी भी डिसीजन अगर आने वाली है या हो चुकी है उनसे आप लोग छुटकारा पा सकते हो। और इसके अलावा आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग बना सकते हो योगा के थ्रू। मेरे ख्याल से तुम लोग को समझ में आया तो आप लोग अपने बॉन्ड ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो। आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स बताओ एटलीस्ट ऐसी 3 और इंपॉर्टेंस जो मैंने आप लोग को यहाँ नहीं बताया, मुझे कॉमेंट बॉक्स बताना, मैं सभी लोग का कॉमेंट जरूर देखूंगा कि आप लोग को क्या लगता है और क्या क्या बेनिफिट होते हैं योगा के। तो याद रखना योगा के करोड़ों बेनिफिट है, आपको एग्जाम में एटलीस्ट 6 से 7 लिखकर आ जाना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और जल्दी से आंसर करिए इन दोनों क्वेश्चंस का। अगला टॉपिक है आप लोग का अष्टांग योगा क्या होता है, आइए जानते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो एंशियंट इंडियन क्लासिकल योगा है पतंजलि जी ने इसको क्लासिफाई करे है लगभग 8 एलिमेंट्स में, या इसको कहा गया अष्टांग। अष्टांग का मतलब 8 लिम्ब्स होता है। तो बेसिकली हम लोग योगा को कुछ एलिमेंट्स के फॉर्म में समझने वाले हैं और इसे कहा जाता है 8-फोल्ड पाथ या फिर 8-फोल्ड स्टेप। और अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलोअप कर लिए तो आप लोग का अल्टीमेट गोल जो था स्पेसिफिकली योगा को ज्वाइन करने का वो अचीव हो जाएगा। साथ ही साथ जो योगा का मेन इंपॉर्टेंस है कि आत्मा की परमात्मा से मिलन कराना वो भी हो जाएगा, दैट मींस द यूनियन ऑफ सोल विद द डिवाइन कैन बी अचीव। चलिए जानते हैं आखिर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट ऑफ योगा होते हैं। तो सबसे पहला होता है यमा, दूसरा होता है नियम, तीसरा होता है आसन, फिर होता है प्राणायाम, फिर होता है प्रत्याहार, फिर होता है धारण, फिर होता है ध्यान, फिर होती है आखिरी में समाधि। तो ये है 8 एलिमेंट ऑफ योगा। सबसे पहले यमा की बात कर लेते हैं या यम की बात कर लेते हैं। यम एक किस्म से एथिकल रूल होता है हिंदुइज्म में। अब ये जो यमा है या यम है इसके अंदर कुछ आप लोगों को 5 मोरल कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलने वाले, आइए एक-एक करके जानते हैं। सबसे पहला होता है अहिंसा, हमेशा नॉन वायलेंस की भावना रखना है आप लोगों को, मतलब ये कि आप लोगों को किसी को देखकर जेलस फील नहीं करना है, हेट फील नहीं करना है, एंगर नहीं होना है, नेगेटिव इमोशंस किसी के लिए आप लोग को दिल दिमाग में नहीं रखना है, इसके बारे में आप लोग को अहिंसा सिखाता है। और साथ ही साथ किसी को भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगला होता है सत्य, हमेशा ट्रूथफुलनेस की बात करना है आप लोग को, झूठ के साथ आपको नहीं रहना है, हमेशा सत्य के साथ देते हुए आप लोग को चलना है, इसके बारे में आप लोग को सिखाता है। अगला होता है अत्से, इसका मतलब होता है कि यार खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आप लोग दूसरों का नुकसान मत पहुंचाओ। और साथ ही साथ जैसे किसी के पास बहुत धन दौलत है, पैसा है, गाड़ी है, मोबाइल है, फोन है, तो यार उसको देखकर ये मत सोचो कि यार मेरे पास भी ये होना था। तो जो आपके पास है उसमें आप लोग को संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, ये सिखाता है आप लोग को अस्ते। अगला होता है ब्रह्मचार, इसका मतलब क्या होता है सेलिबेसी, मतलब क्या कि जो भी सेक्सुअल डिजायर रहते हैं उन सबसे आप लोग को दूर रहना है, आप लोग को अपने आप को बोल्ड बनाकर रखना है हर कंडीशन के लिए। इसके बाद होता है अपारिग्रह, जिसका मतलब होता है नॉन पॉसेसिवनेस, इसका मतलब ये यार कि जितना ज्यादा आप लोग कम से कम मटेरियलिस्टिक हो सकते हो उतना कम मटेरियलिस्टिक रहने की कोशिश करना है। तो ये थे आप लोग के 5 कोड ऑफ कंडक्ट जो कि यमा के अंदर आप लोग को देखने को मिलते हैं। अगला होता है नियम, तो आइए नियम के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअल में ये आप लोग को सिखाता है कि यार किस तरीके से आप लोग अपने आप को सेल्फ मेंटेन करके रख सकते हो। तो इसके अंदर भी आप लोग को कुछ सेल्फ मेंटेनेंस के लिए अलग अलग चीजों को पढ़ना है। जैसे सबसे पहला होता है सोच, सोच का मतलब क्या, आप लोग को अपने आप को प्योरीफाई रखना है हमेशा। अब प्योरीफाई से मतलब ये नहीं कि बाहर से नहा धोकर आ गए, अंदर से भी आपको प्योरीफाई रहना है, मतलब ओके माइंड बॉडी स्पीच ये सभी को आप लोग को क्लीन और प्योर रखना है। साथ ही साथ आप एक्सटर्नली तो आप नहा धोकर तैयार हो सकते हो लेकिन इंटरनली आप लोग कैसे करोगे, तो इंटरनल ऑर्गन्स को साफ सुथरा रखने के लिए आप कुछ शुद्धि क्रियाएं कर सकते हो जिसके थ्रू आप लोग के इंटरनल ऑर्गन्स क्लीन हो सके। अगला होता है संतोष, तो संतोष के बारे में समझ लेते हैं। इसका मतलब ये कि आप लोग को ऐसे टाइप की फीलिंग डेवलप करना चाहिए कि जिसमें कि आप लोग हमेशा सेटिस्फाई रहो अपनी जिंदगी से, ऐसा नहीं कि यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि यार आप लोग को ऐसे टाइप की फीलिंग्स को डेवलप करना चाहिए जिसमें कि आप लोग जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है उससे आप लोग को सेटिस्फाई रहना चाहिए। अगला होता है तपा, मतलब डिसिप्लिन में रहना, दैट मींस कि कितनी भी डिफिकल्टीज आप लोग की जिंदगी में आ जाए, कुछ आ जाए, कोई भी परेशानियां आ रही है, बहुत बुरा सा बुरा क्यों ना हो रहा, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, अपने आप को इमोशंस को आउटबर्स्ट नहीं होने देना है और हर डिफिकल्टी को सामना करना आपको आना चाहिए। जिसने इस एथिकल प्रैक्टिस को झेल लिया वो जिंदगी के हर परेशानियों को झेल सकता है। अगला होता है स्वाध्याय, इसका मतलब ये कि आप लोग को हमेशा रिसाइट करना चाहिए जो भी वेरियस स्कल्पचर्स आप लोग को दिए गए हैं, लाइक वेद हो गए, ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए, हमेशा आप लोग को इन सब चीजों को पढ़ते रहना चाहिए और साथ ही साथ इनसे चीजों को सीखता रहना चाहिए। अगला होता है ईश्वर प्रणिधान, इसका मतलब होता है क्या, प्रेयर करना या सरेंडर कर देना टुवर्ड द गॉड के लिए, क्योंकि जब आप लोग गॉड की तरफ जाते हो, भगवान की तरफ जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, मतलब जो भी रिलीजन को आप लोग फॉलो करते हो, जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा गॉड से जुड़ने की कोशिश करते हो तो आपके अंदर का जो ईगो रहता है, आपके अंदर का जो प्राइड रहता है वो कहीं
ना कहीं पूरी तरीके से धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान के एक किस्म से मैं कह सकता हूँ दर पे, तो सब लोग एक किस्म से बराबर होते हैं। तो इस बारे में आप लोग को सिखाता है ये कि पूरी तरीके से आप लोग को गॉड के लिए सरेंडर हो जाना है। अगला होता है आसन। आसन का मतलब क्या होता है? ऐसे फिजिकल पोस्चर जिसके थ्रू तुम लोग योगा के डिफरेंट फॉर्म्स को कर सकते हो। योगा के थ्रू तुम अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा फिट बना सकते हो, ढेर सारे डिसीजेस से दूर रह सकते हो और बहुत सारे बेनिफिट्स तुम लोग को मिलते हैं। कई लोग अपनी बॉडी को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, बेशक आपको योगा के आसन से आप लोग कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डिसीजेस है उससे दूर हो सकते हो। आप अपनी बॉडी की मसल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहते हो तो आसन के थ्रू आप लोग बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हो। तो योगा और आसन में कंफ्यूज नहीं होना। योगा क्या है? एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस है। उन एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोग कुछ ना कुछ पोस्चर तो करने पड़ेंगे, तो उन पोस्चर को करने के लिए आप लोग को आसन करना पड़ता है। तो योगा इज द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और आसन क्या है? पोस्चर्स है। तो अगला क्या होता है? प्राणायाम। तो प्राणायाम एक किस्म से ब्रीथिंग टेक्निक होती है। इसको भी डिटेल में आगे समझने वाले एक स्पेसिफिक टॉपिक है, तो इसको मैं ज्यादा डीप में नहीं समझा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। अगला होता है प्रतिहार। इसका मतलब होता है कि आप लोग को अपने सेंस और माइंड को कंट्रोल करके रखना चाहिए हमेशा। तो जिंदगी में कई बार ना सेल्फ कंट्रोल प्रोसेस बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोग को प्रोवाइड करती है, तो ये किस्म का सेल्फ कंट्रोल प्रोसेस होता है। अगला होता है धारण। मैं कह सकता हूँ ये मेडिटेशन की ना एक सबसे पहली स्टेज होती है। मतलब क्या? इसके थ्रू तुम लोग माइंड के कॉन्सेंट्रेशन को अचीव कर सकते हो। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आप लोग पूरी तरीके से आपकी जो बॉडी की पूरी टोटल एनर्जी है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप लोग लगा रहे हो। नेक्स्ट होता है ध्यान। ध्यान का मतलब तो मेरे को नहीं लगता कि आप में से किसी को पता नहीं होगा। ध्यान मतलब तो बचपन से आप लोगों ने ध्यान लगाए होंगे। अब वो ध्यान क्या चीज होता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे, ठीक है ना? ये होमवर्क दे रहा हूं। तो नेक्स्ट होता है समाधि। समाधि के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता होगा। काफी सारे ऐसे ऋषि मुनि रहते हैं जो अपने आप को समाधि ले लेते हैं। इसके बारे में मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोग को पता होगा। समाधि लेने का मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है? वो ये रहता है कि द अल्टीमेट यूनियन ऑफ एन इंडिविजुअल सोल विद द गॉड। तो मैं कह सकता हूं ये एक लास्ट स्टेज होती है जिंदगी की। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो याद रखिएगा एक चीज की यार, ये जो हम लोगों ने अभी चीजें पढ़े, क्लियर दोस्त, ये जो भी एथिकल प्रैक्टिसेस थी या फिर जो भी डिसिप्लिन थे, दो फॉर्म में, एक तो इंटरनल डिसिप्लिन के फॉर्म में और एक है एक्सटर्नल डिसिप्लिन के फॉर्म में। तो यमा, नियम, आसन और प्राणायाम जो है ये आप लोग के एक्सटर्नल डिसिप्लिन के अंदर आएंगे। और अगर मैं बात करूं समाधि, ध्यान, धारण और प्रतिहार, ये सभी के सभी इंटरनल डिसिप्लिन के अंदर आप लोग को देखने को मिलने वाले। और अगर तुम्हें याद करने में दिक्कत आ रहा है तो यहीं से भी याद कर सकते हो कि यमा मोरल प्रिंसिपल होते हैं, नियम एक किस्म से ऑब्जर्वेंसेस है, आसन पोस्चर होता है, प्राणायाम के थ्रू तुम लोग ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में सीखते हो, प्रतिहार के बारे में विड्रॉल ऑफ द सेंसेस, धारण क्या होता है कॉन्सेंट्रेट करना, ध्यान क्या होता है मेडिटेट करना, समाधि क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द कंसियसनेस इन द सेल्फ। आई नो ये चैप्टर में थोड़ा दिमाग खराब हो रहा होगा, भाई अब क्या कर सकते हैं यार। देखो बाकी चैप्टर थोड़े से इंटरेस्टिंग से, ये वाला चैप्टर भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स है जो ना याद करने नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करो, बन जाएगा, टेंशन ना लो यार ज्यादा। चलो आओ जरा क्वेश्चन को अटेंड करो, जरा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन और आंसर बताओ क्या होगा इसके साथ साथ थर्ड और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को भी अटेंड करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट होता है आप लोग का यौगिक क्रिया। तो यौगिक क्रियाएं क्या होती है, आइए इसको समझते हैं। यौगिक क्रियाएं एक्चुअल में आपकी बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली क्लीन करने के लिए काफी ज्यादा काम आती है। मतलब क्या? अगर आपको प्रॉपर फंक्शनिंग करना है बॉडी की, तो उसके लिए आप लोग को क्लीनलीनेस रखना जरूरी है, साफ सफाई रखना जरूरी है, चाहे बाहर नहा धोकर या अंदर। तो अंदर कैसे करेंगे उसको भी जानेंगे आज। अब बाहर तो नहा धोकर तैयार हो सकते हैं, अंदर को अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि यार आपके लंग्स को या फिर पेट को नहलाना है तो नहलाना कोई मजाक थोड़ी ना होगा। तो इनर क्लीननेस जो है वो एक किस्म से काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अगर आप लोग को इंटरनल क्लीनलीनेस करना है अगर आपकी अपनी बॉडी की, तो लगभग 6 ऐसे योगिक क्रियाएं आप लोग कर सकते हो जिसको हम लोग शुद्धि क्रिया कहते हैं, जिसके थ्रू आप लोग इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन कर सकते हो। तो योगिक क्रिया के अंदर हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स की क्लीनलीनेस या साफ सफाई के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला होता है नेति। नेति मतलब क्या? आप लोग को अपनी नाक को साफ रखना है, नेजल क्लीनिंग करना है। किस तरीके से? तो देखो इस तरीके से होती है, यहां से एक लिक्विड डाला जाता है और यहां से पूरा आप लोग का सफाई निकल जाती है। अगला क्या होता है? धोती। धोती का मतलब क्या होता है? जिसमें कि आप लोग को जो डाइजेस्टिव ट्रैक है एक्चुअल में, जो स्टमक है उसको आप लोग को साफ करना है। कैसे करोगे? कुछ इस तरीके से आप लोग करते हो, यहाँ पे आप लोग उल्टी करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट होता है नॉली। तो इसमें आप लोग अपने एब्डोमिनल की मसाज कर सकते हो। रामदेव बाबा को तो आपने देखे होंगे हमेशा इस तरीके से करते हो, तो ये किस्म से एब्डोमिनल मसाज के तौर पे जानी जाती है। इसके बाद होता है कपालभाति, जिसके थ्रू तुम लोग अपने लंग्स को प्योरीफाई कर सकते हो। कपालभाति के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, सांस अंदर लो, सांस बाहर लो। इसके बाद होता है बस्ती। तो बस्ती एक किस्म से यार इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपके बम में इस तरीके से एक ट्यूब लगाया जाता है और पानी आनी छोड़ा जाता है शायद तक के, तो पूरा साफ सफाई हो जाती है जिसके थ्रू, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं। अगला होता है त्रातक, ठीक है ना जी। ज्यादा जज्बाती ना हो जो आप सोच रहे हैं, ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।
तो इसके थ्रू तुम लोग अपनी आंखों को साफ कर सकते हो और साथ ही साथ आई प्रॉब्लम से आप लोग ओवरकम भी हो सकते हो। तो कैसे करना रहता है, बहुत बेसिक है, मैक्सिमम लोगों ने किए होंगे कि एक मोमबत्ती लो, उसको काफी देर तक के देखते रहो। जब आप देखते रहोगे तो आंखों से आप लोग के आंसू निकलना चालू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर है, तो चलिए भाई पॉज करिए और जल्दी से आंसर करिए इन दोनों क्वेश्चन का, साथ ही साथ इन दोनों क्वेश्चन को भी अटेंड करें। चलिए भाई बात करते हैं अगले टॉपिक का, इसका नाम है प्राणायाम। तो आखिर जानते हैं कि प्राणायाम क्या होता है। तो जैसे मैंने अभी आप लोग से कहा था इससे पहले कि प्राणायाम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अष्टांग योगा के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए भाई जानते हैं प्राणायाम क्या होता है। तो प्राणायाम एक किस्म से ब्रीथिंग टेक्निक होती है जहां पे आप लोग ब्रीथ कंट्रोल कर सकते हो, अपने लंग्स को और ज्यादा बेस्ट बना सकते हो, लंग्स की एफिशिएंसी को बेस्ट कर सकते हो। जितने भी लोगों को रेस्पिरेटरी टाइप डिजीजेस है वो सब इससे सही करी जा सकती है। मैं कह सकता हूं प्राणायाम काफी ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में जानने में, और इसको कहा जाता है योगिक ब्रीथिंग। के अंदर आप लोग मैनिपुलेट कर सकते हो अपनी ब्रीथिंग पैटर्न को और ठीक भी कर सकते हो। तो अलग अलग टाइप के प्राणायाम होते हैं, आप लोग को लगता होगा एक ही फॉर्म का होता है अलोम विलोम, ऐसा नहीं है, इसके अलावा ढेर सारे और फॉर्म के प्राणायाम होते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हाथा योगा टेक्स्ट में मेंशन है वो है लगभग 6 तरीके के। एक होता है अलोम विलोम, दूसरा होता है सूर्य भेदन, फिर होता है उज्जयी, फिर होता है भ्रमारी, फिर होता है शीतकारी, फिर होता है शीताली। ये अलग अलग फॉर्म के आप लोग के प्राणायाम है, आइए इनके बारे में जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला होता है अलोम विलोम। तो मेरे ख्याल से एक सबसे बेसिक फॉर्म का आप लोग का प्राणायाम की स्पेसिफिक टेक्निक है जिसमें आप लोग अपनी ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हो, ब्रीथिंग टेक्निक को बेटर बना सकते हो। इसमें बेसिकली करना क्या रहता है, एक नाक से आप लोग को सांस लेना है, थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर दूसरे नाक से आप लोग को सांस छोड़ देना है। तो अलोम विलोम कुछ इस तरीके से आप लोग को किया जाता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप लोग को अपने रेस्पिरेटरी प्रोसेस को बेटर बनाना है, और इस प्रोसेस को आप लोग को फॉर्म में करते रहना चाहिए। इसके क्या बेनिफिट होते हैं, इसके थ्रू आप लोग की स्लीप वेल अच्छी हो जाती है, स्किन ग्लोइंग आप लोग की हो जाती है, है ना। तो वो सेरम वेरम लगाने से अच्छा ये कर लो यार दोस्तों। इसी के साथ साथ आपका मूड बेटर रहता है, माइग्रेन से आप लोग ठीक हो सकते हो, साथ ही साथ आप लोगों को कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो सर्टन सिचुएशंस है, कंडीशंस है रेस्पिरेटरी टाइप की, वो सब ठीक हो जाती है, और साथ में आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्राणायाम है ये सभी के सभी रिलैक्सेशन आसन के अंदर आते हैं। अगला होता है सूर्य भेदन प्राणायाम। तो सूर्य भेदन प्राणायाम जब भी आप लोग करोगे तो इस तरीके की एक विष्णु मुद्रा आप लोग को अटेंड करनी रहती है। इसमें भी आप लोगों को क्या करना है, देखो पहले आगे बढ़ने से पहले ज्यादा जज्बाती ना हो, सूर्य का मतलब होता है सन और भेदन का मतलब होता है टू गेट दी थ्रू। तो सूर्य भेदन प्राणायाम भी एक किस्म से ऑल इनहेल और ऑल एक्सहेल टाइप की प्रोसेस है, जो कि एक नाक से सांस लेना और थोड़ा होल्ड करना और दूसरी नाक से छोड़ देना। तो जो आप लोग को हाथ पकड़ने का जो आप लोग का तरीका रहेगा वो इस तरीके से एक विष्णु मुद्रा की तरह रहेगा। जैसे दीदी ने देखो ये जो थंब है ना, थंब के थ्रू एक नाक में पहले हाथ रखे और फिर दूसरी नाक से सांस अंदर, फिर क्या करा गया, ये वाले उंगली से दूसरी वाली नाक पे हाथ रखा गया, क्लियर है, और जिस नाक को पहले बंद किया गया था तो वहां से बाहर आप लोग को एक्सहेल कर देना है, क्लियर दोस्त। इस तरीके से आप लोग को सूर्य भेदन प्राणायाम को करना है। क्या बेनिफिट होते हैं इसके, तो इसके थ्रू आप लोग फिजिकल परफॉर्मेंस आपकी बेटर बना सकते हो, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम आप लोग का अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आप लोग को लो ब्लड प्रेशर वाला प्रॉब्लम है तो वो इससे आप लोग का नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं उज्जयी प्राणायाम के बारे में, तो उज्जयी प्राणायाम एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है ब्रीथ ऑफ द विक्ट्री। तो उज्जयी वर्ड जो स्पेसिफिकली निकल के आया है ये संस्कृत से निकल के आया है, जिसका मतलब होता है बॉन्डेज या बाइंडिंग। साथ ही साथ इसको अपवर्ड भी कह सकते हो या फिर एक्सपांडिंग भी कह सकते हो। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, क्या एक नाक बंद करनी है दूसरी छोड़नी है, ऐसा कुछ नहीं, दोनों नाकों से आप लोग को इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, और आपके हाथ कुछ इस तरीके से रहने चाहिए जैसे आप लोग को पोस्चर दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक क्लियर है, इसमें मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत है। तो चलिए बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो अगर आप सिंगर इंगर हो तो अगर आपको अपनी वॉइस की क्वालिटी को बेटर करना है इसके थ्रू आप लोग अचीव कर सकते हो, मेंटल क्लियरिटी और फोकस आप लोग का बेटर होता है, इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का बेस्ट हो जाता है, स्लीप साइकिल आप लोग का सही हो जाता है, थायराइड रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो उसको आप लोग नॉर्मल कर सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर वाला इशू है तो इससे सही हो जाता है, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को किसी भी टाइप का हार्ट रिलेटेड डिस्कम्फर्ट है तो वो भी नॉर्मल होने का काम ये करता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है भ्रामरी प्राणायाम। तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो बट आप लोग भावनाओं को समझे। तो भ्रामरी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, ब्लैक बी मतलब क्या, वो देखोगे ना भौरा रहता है काले कलर का, हो ऐसा करके घूमता रहता है, कान वान बंद कर लेते सब लोग, तो ये उसको इस फॉर्म में कहा जाता है, क्लियर। तो ब्लैक बी प्राणायाम भी इसको कहते हैं। तो जब आप इस प्राणायाम को करते हो तो इसमें ना आप लोग को एक किस्म से बजिंग टाइप का साउंड लेना पड़ता है, जैसे कि वो ब्लैक बी घूमती रहती है उस टाइम पे। तो अगर आप लोग को इंस्टेंटली काम डाउन होना है तो आप लोग को ये वाला प्राणायाम जरूर करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट आप लोग के लिए प्राणायाम रहेगा। काफी अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है जिसके थ्रू तुम लोग यार एजिटेशन से दूर हो सकते हो, फ्रस्ट्रेशन से दूर हो सकते हो, एंजाइटी वगैरह आप लोग को, तो अगर आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है उसको नॉर्मल करना है तो आप लोग को ये प्राणायाम जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी जिंदगी से ये सभी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाएगी। और इसको परफॉर्म करने के लिए आप लोग को देखो आंखों में इस तरीके से आप लोग को हाथ को रखना है और आप लोग को मैंने बताया ना बज वाला साउंड आप लोग को निकालना है, क्लियर दोस्त। तो चलिए जानते
होते हैं, इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इसके थ्रू तुम लोग स्ट्रेस को दूर कर सकते हो, ब्लड प्रेशर आप लोग का नॉर्मल हो जाता है, हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम है तो वो हाइपरटेंशन मतलब बड़े पापा ऑफ टेंशन मतलब हाई बीपी वाला प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसी के साथ साथ नर्वस सिस्टम के लिए भी बेनिफिशियल होता है, साथ ही साथ ये आप लोग के हार्ट में जो भी ब्लॉकेज वगैरह है उसको सही करता है। इसके अलावा डीप स्लीप आप लोग को ये देता है, और इसके अलावा और भी ढेर सारे हैं यार, जितना पढ़ोगे उतना कम है, क्लियर है भाई। तो नेक्स्ट आप लोग का आसन होता है, इसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली शीतकारी वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, तो शीत मतलब होता है कूल और कारी का मतलब होता है विच अराइज। तो एक ऐसे टाइप का प्राणायाम है जिसमें तुम लोग को हीजिंग ब्रीथ लेना पड़ता है, मतलब कैसे हीजिंग कैसे लेंगे, तो तुमको ही करना है और सांस लो ऐसे टाइप के, समझ में आया। देखो दीदी भी इस तरीके से कर रही है, हाँ जी कुछ इसी फॉर्म में। तो इस स्पेसिफिक प्राणायाम में जो तुम्हारा साउंड निकल के आता है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि सांप आप चल रहा है, ठीक है ना। जब हीजिंग साउंड आप लोग लोगे तो आप लोग ट्राई करके देखो, जरा ई करो और सांस अंदर लो सांस छोड़ो, आवाज आई ना वैसी, हाँ जी। तो ये एक किस्म से स्नेक का साउंड होता है। तो यहाँ पे जो भी ब्रीथिंग आप लोग को लेना माउथ से लेते हुए करना है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्पेसिफिक आसन होता है जिसके थ्रू तुम लोग यार अपने माइंड को और बॉडी को काम रख सकते हो। इसका पोस्चर कुछ इस तरीके से होता है, ई करते हुए आप लोग को पोज करना और सांस लेना आप लोग को ई करते हुए माउथ से, ठीक है ना, ई करना जरूरी है। चलो भाई आगे बात करते हैं बेनिफिट की। तो इसके थ्रू तुम लोग यार अपने माइंड को काम कर सकते हो, हेल्दी आप लोग रह सकते हो, इंडाइजेशन अगर आप लोग को है तो वो सही हो सकता है। तो बॉडी को कूल डाउन करना है तो आप लोग कर सकते हो इसके थ्रू, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो, हाई ब्लड प्रेशर आप लोग का रिड्यूस होगा आप लोग का। इसी के साथ साथ अगर आपका माउथ टंग और टीथ का अलाइनमेंट को बेटर करना है तो इसके थ्रू आप लोग कर सकते हो, डिप्रेशन में हो तो इसको आप लोग रिड्यूस कर सकते हो। इसी के साथ साथ ये टीथ और गम की हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होता है। तो नेक्स्ट होता है आप लोग का शीताली प्राणायाम। शीताली अलग है और ये शीतकारी है, ठीक है दोस्त। तो शीताली प्राणायाम एक्चुअल में कूल ब्रीथिंग एक्सरसाइज के फॉर्म में जाना जाता है, जहां पर ठंडी ठंडी सांस आपको लेना। आप ठंडी सांस कैसे ले सकते हैं, तो देखो इस तरीके की टंग आप लोग को करना है, जैसे दीदी की दिख रही, करके देखो जरा ट्राई, और फिर सांस लो तो आपको ठंडी ठंडी हवाएं अंदर जाएगी, क्लियर दोस्त। तो इसके थ्रू तुम्हारी बॉडी माइंड दोनों को ठंडा करके रख सकते हो। और याद रखना शीताली एक्चुअल में संस्कृत वर्ड से निकल कर आया, और शीत का मतलब होता है कूल। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कि याद रहेगा आप लोग को, सांस आप लोग को यार यहाँ से लेना है, मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ देना है, क्लियर दोस्त। इस तरीके से आप लोग को प्रोसेस को करना है और बैठना आप लोग को इस फॉर्म में। तो बेनिफिट की बात करते हैं तो अगर आप लोग को पित्त को बैलेंस करना है तो आप लोग कर सकते हो इसके थ्रू। बॉडी को आप लोग को काम डाउन रखना है, या फिर अगर आपका शरीर गर्म हो चुका है तो उसको नॉर्मल करने के काम आता है। इसी के साथ साथ डाइजेस्टिव फायर हो रहा है, अगर आप लोग को है ना पेट में जलन हो रही है तो इससे नॉर्मल हो जाता है, स्किन में जलन हो रही है तो उसको सही कर देता है, आपके माइंड को शांत रखता है, ये सभी इसके बेनिफिट्स होते हैं। मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक क्लियर था, तो जल्दी से इसके आंसर करो, पहला क्वेश्चन का आंसर, दूसरा क्वेश्चन का आंसर। एक चीज याद रखो, जितने भी प्राणायाम पढ़े ना इनका पहले तो तरीका समझ लो कैसा क्या है, डायग्राम याद रख लेना, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज, क्या भैया इनकी स्टेप्स पूछी जा सकती है प्रोसेस की, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग खुद से नहीं बना सकते। इसके लिए आप लोग को पहले बैठना है, दोनों हाथों को ऐसे करना है, पैरों को आप लोग के क्रॉस लेग होने चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि आप लोग को रटने की जरूरत है स्टेप्स को, आप स्टेप्स को खुद ब खुद याद कर सकते हो अगर आपको डायग्राम याद है। तो डायग्राम अगर आपको पता है तो आपको मालूम है कि पोस्चर कैसा रहेगा, हाँ या ना, तो अपने आप भी लिख सकते हो, और डायग्राम तो याद करना जरूरी है, क्लियर दोस्त। सबका अलग अलग टाइप का फॉर्म है, कंफ्यूज मत होना। चलिए देखते हैं लास्ट टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसके थ्रू आप लोग योगा के थ्रू इसको अचीव कर सकते हो। जिंदगी में आज के टाइम में हमारा जो वर्कलोड हो चुका है, बिजी लाइफस्टाइल हो गया, इसमें हम लोग ना हमारे माइंड को काम करने के लिए, स्ट्रेसफुल जिंदगी से स्ट्रेस फ्री होने के लिए हम लोग कुछ नहीं करते। आप लोग से एक छोटी सी रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग के पास वक्त नहीं है स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स खेलने जाने का, जिम नहीं जा पा रहे, तो आप लोग स्पेसिफिकली घर के अंदर 15 से 20 मिनट यार योगा कर सकते हो, या तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में, जिसके थ्रू आप लोग का स्ट्रेस जो है वो रिलीफ हो पाएगा और एक एक्टिव लाइफस्टाइल आप जी पाओगे। क्योंकि योगा के थ्रू तुम लोग फिजिकल मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट अपना कर सकते हो और साथ ही साथ स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी सकते हो। तो याद रखिएगा अगर मैं बात करता हूँ लाइफस्टाइल एंड मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स के बारे में, तो इसके दो एस्पेक्ट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं। पहला होता है मेंटेन करके रखो एक अच्छी फिजिक को, और दूसरा होता है आप लोग का मेंटल हेल्थ सही होना चाहिए। तो योगा एक काफी अच्छा आप लोग के लिए ऑप्शन है जिसके थ्रू आप लोग ये दोनों गोल्स को अचीव कर सकते हो, जहां पे आप लोग का फिजिकल डेवलपमेंट भी हो जाता है, साथ ही साथ आप लोग की ब्रीथिंग टेक्निक भी बेटर हो जाती है और मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी रहती है। और इसके अलावा भी आप लोग को ढेर सारे मिल जाते हैं योगा के थ्रू। तो जब भी हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस फ्री होने के लिए, तो स्ट्रेस फ्री हम लोग कैसे हो सकते हैं, जब हम लोग मेडिटेशन कर सके, और मेडिटेशन अचीव करने के लिए योगा के अंदर ढेर सारे ऐसे आसन है जिसके थ्रू तुम लोग काम डाउन हो सकते हो, माइंड को शांत कर सकते हो और स्ट्रेस फ्री रह सकते हो, डिप्रेशन से दूर रह सकते हो। तो प्राणायाम एक काफी अच्छी ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, इसको हम लोग अल्टरनेटिवली मेडिटेटिव आसन के फॉर्म में भी जानते हैं।
तो अगर आप लोग को अपने माइंड को काम डाउन करना है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस वाला प्रॉब्लम है, तो आप लोग को रेगुलरली प्राणायाम को करते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप लोग को फिजिकली फिट रहना है, फिजिकली आप लोग का पोस्चर बेटर रहना चाहिए, तो आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट आसन करना जरूरी है। तो आसन के थ्रू होता क्या दोस्तों, तो आसन एक्चुअल में फॉर्म ऑफ पोस्चर्स होते हैं जिसमें कि तुम लोग योगा के एक्सरसाइज को कर रहे हो। मतलब क्या, योगा के अंदर एक्सरसाइजेस हो गई डिफरेंट डिफरेंट। अब उसको परफॉर्म कैसे करें, वो आसन्स के थ्रू तुम लोग अचीव कर सकते हो। तो फिजिकली फिट रहना है तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के आसन्स करना चाहिए जिसके थ्रू तुम लोग अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, स्पीड हो गया, बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो गया, इन सबको आप लोग बेटर बना सकते हो। और अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ओवरऑल आप लोग की फिजिकल फिटनेस लेवल डेवलप होने लग जाएगा बॉडी के अंदर, और साथ ही साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीजेस से भी आपको बचाएगा, लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ तक की चीजें समझ में आई, तो मैं ओवरऑल ये कह सकता हूं कि योगा के थ्रू तुम लोग यार सारे टाइप के ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहां तक की चीजें क्लियर हुई, तो यहां तक के हमारा चैप्टर आई होप आप लोगों ने एंजॉय करे होंगे। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पे क्लास 11 12 दोनों का फिजिकल एजुकेशन मैं पूरा कवर अप कराने वाला हूं। साथ में अगर तुम लोग क्लास 11th 12th का फिजिक्स कवर अप करना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में अगर आप मेरे साथ लाइव सेशंस में पढ़ना चाहते हो तो अनअकैडमी में आ सकते हो मेरे साथ, और मेरे साथ क्लास 11 12 की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ हमेशा जुड़े रहना है तो इंस्टा में मुझे जरूर फॉलोअप कर लेना, टेलीग्राम के ग्रुप चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स आप लोग को वहां पर मिलते रहती है। इसी के साथ साथ वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक अच्छी सी बुक रिकमेंड किया तुम लोग को, तो उस बुक को ले लेना, एक बेस्ट टेक्स्ट बुक है जिसके थ्रू तुम लोग की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब जाकर एक बार बुक को रीड कर लो, मेरी गारंटी की एक चीज आप लोग को से समझ में आ जाएगी। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आऊंगा जल्दी, बहुत जल्द एक नया वीडियो जहां पे हम लोग अगले चैप्टर को कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।